निम्रा की फिक्र ना करो, तुम फिलहाल खुद को देखो, क्योंकि जितना जल्दी तुम ठीक हो गए उतने ही जल्दी तुम्हारा निकाह निम्रा के साथ होगा। अच्छे हैं, मैंने कब कहा कि बुरे हैं, लेकिन मैं उनसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। अभी शिजा पे क्या गुजरेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी उसके दिल में निम्रा के लिए कुछ भी नहीं है, सौतेली बहन है उसकी। खबरदार, अगर तुमने कोई घटिया बात या डिमांड तो पहल साहब से की तो समरीन, बात यहां मेरी जिंदगी की है। मैं शिजा की वजह से कोई फैसला नहीं कर रही, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, समझो मेरी बात को। वो प्लीज चले। इमरा प्लीज तुम ऐसे मत कहो, वरना मैं अभी डैड को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। समरीन ठीक कह रही, उसको हर बात का एहसास हो गया और वो हर बात ठीक है। वासिफ बहुत अच्छा लड़का, एक दफा गौर कर लो प्लीज। अब किस उलझन में उलझे हो बासित? मुझे लगता है भाई निम्रा राजी नहीं है। तुम्हें कैसे पता? रोहन से बात हुई थी मेरी, उसकी बातों के बाद अंदाजा हुआ है मुझे। अंदाजों पर जिंदगी नहीं गुजारा करते बेटा। जानता हूं, लेकिन भाई अगर आप किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं तो उसके बाद शायद इंसान एहसास हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती है, परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि हर खुशी मान पड़ जाती है। तो अपनी खुशियों को परेशानी की नजर मत करो ना। चाहता तो मैं भी यही हूँ भाई, लेकिन जब तक निम्रा के दिल में क्या है मुझे पता नहीं चल जाता। शायद ये उलझन ऐसे ही रहे। तो फिर फोन कर लो उसे। डर लगता है। कैसा डर? डर उसका इनकार सुनकर अपनी खुशी खत्म होने का, खौफ अपने दिल के टूटने का, अजियत उसको पाकर खोने की, और अजियत जो मुझे सहनी पड़ेगी उसका इनकार सुनने के बाद। इसलिए डर लगता है भाई, डर लगता है कि अगर उसको फोन किया और उसने ना कर दी तो
तुम इतने कम हिम्मत और जज्बाती तो नहीं थे यार, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। प्यार में जज्बात का ताल्लुक दिल से होता है भाई, और अगर ऐसे में किसी को खोने का डर लग जाए तो परेशानी तो होगी ना। फिक्र मत करो, सब सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। हाँ छोड़ा है आप निम्रा को अपनी बहन के यहाँ? छोड़ा है। आपको क्या लगता है कि मैं वहां नहीं जा सकती? अभी जाके उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी ना कि याद रखेगी। बेटा सरे बाजार बाप की इज्जत उछालना कब बंद करोगी तुम? और जिनकी तुम बात कर रही हो वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, तुम्हारी फूफी भी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां जा सकती हूँ और अभी जाके उसको उसकी औकात याद दिला के आऊंगी। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, और अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाने की तुमने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं डैड? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। निम्रा बासित से प्यार नहीं करती और यह बात बासित जानता है, इसलिए वो शादी के लिए खुद ही इनकार कर देगा। बासित ही उससे निकाह करना चाहता है। और अगर वो दो बच्चे आपस में शादी करके खुश रह सकते हैं तो क्यों ना रहे, उनका हक है। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, आप हमेशा से मेरे साथ गलत करते आए। छोटी सी थी, मॉम चले गई, मैं और समरी यहाँ पे साथ सोया करते थे, और आप मॉम और निम्रा को ले आए। समरीन तो छोटी थी, वो भूल गई। मॉम निम्रा को गले लगा लिया करती थी, लेकिन मुझे गले तो वो तुम्हें भी लगाती थी बेटा, लेकिन मेरी सगी माँ तो नहीं थी ना। मां से बढ़ के उसने तुम्हें संभाला है। तुम्हारी सगी मां तुम्हें पैदा करके चली गई इस दुनिया से, लेकिन तुम्हें पाला उसी ने। तुम्हारे दिल में बॉस का बीज है उसके लिए। सारा इल्जाम मुझे ही देते बस, मैं ही गलत हूं, मैं ही खराब हूं। ठीक है नहीं देता, लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं मान लेती इसको? अल्लाह की रजा क्यों नहीं समझ लेती? अल्लाह पाक ही ये चाहते हैं। इसमें किसी की मर्जी नहीं है, सिर्फ आपकी साजिश है। मत करो सब पे शक, तस्लीम करो जो कुदरत करना चाहती है, बड़ा करो अपना दिल सबके लिए। ठीक है, मत तो मेरे लिए दुखी, सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे शिकायत करें और मुझे ही बुरा भला बोले। बासित सब कुछ सही हो गया है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्या हो गया, इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? तुम्हारे होते कमरे में इतनी खामोशी, खैरियत? अभी तो निम्रा से शादी की बात ही चल रही थी कि बासित का एक्सीडेंट हो गया। कल को वो लड़की घर में आ गई तो बासित को तो कब्र तक ही पहुंचा के रहेगी वो। अल्लाह ना करे साहिबा, जो मुंह में आता तुम बोलती चली जाती हो। सुनो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे भाई के मामले में इतना बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
सब। तुम्हें किस बात की परेशानी? मैं निम्रा के हर फैसले की कदर करता हूँ रोहन, चाहे वो फैसला मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। मामू जान के फैसले के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनका फैसला अटल होता है। सबको कबूल करना पड़ता है, लेकिन निकाह के लिए किसी के फैसले की नहीं, दिल से कबूल करने की जरूरत होती है। और मैं जानता हूं निम्रा मेरे दिल से कबूल नहीं करेगी। बासित, चाहे तुम्हें निकाह की ताकत का अंदाजा नहीं है। निम्रा एक बहुत सुलझी हुई लड़की है, इंशाअल्लाह वो तुम्हें पूरे दिल से अपनाएगी। आप इसके निकाह की तैयारी करें, मैं बासित के साथ इसका निकाह करवाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, दी के लिए सजा ही सही, लेकिन तुम्हें बासित भाई से ज्यादा अच्छा कोई नहीं मिल सकता। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी बात समझ भी नहीं रहा। ठीक है, ना समझे ना सुने मेरी बात, मैं भी ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। अगर कोई मेरा ख्याल नहीं कर रहा तो मैं भी किसी का ख्याल नहीं करूंगी। हेलो, मैं आपको चाचा के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी आप उन तक कैसे पहुंच गईं? किस्मत में एक बार और सामना लिखा था। वो हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, हमेशा लालची और खुदगर्ज। खैर, अब तो आप अपने अब्बू के घर पर है ना? जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे मिलने आ जाया करूँ। नहीं फैसल भाई, प्लीज आप मत आइएगा। जैसे आपकी खुशी है, जहां रहें खुश रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और अगर कभी जिंदगी में आपको मेरी जरूरत पड़े तो इतना समझकर आवाज जरूर दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। इतना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। रोई हो तुम? क्या बात, क्यों अफसरदा? किधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारे अफसरदा रहने के दिन अब गए। हर वक्त खुश रहा कर, है ना? हाँ, और ऐसी खुशी में हम तुम्हें बाजार लेके जाएंगे कल। बाजार क्यों? अरे क्या मतलब बाजार क्यों, अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, तुम्हारी मर्जी के। नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, जो देंगे मैं पहन लूंगी। क्यों क्यों, जो भी पहन लोगी? तुमने हमेशा पुराने कपड़े पहने, अब तुम अपनी मर्जी से शॉपिंग करो, अच्छे से अच्छे जोड़े लोगे। बिल्कुल, और तुम कुछ नहीं बोलोगी, इनकार नहीं करोगी?
अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कल मैं मेहंदी के लिए लड़की बुला लेती हूँ। दोनों माँ बेटी के होलिये से ही दिखाई देता था कि वो सौतेली हैं। तो फैल साहब अपने गले का वबाल उतारकर बासित के गले में डाल रहे। सौतेली बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा तो क्या, जहेज के नाम पर तो ढंग की चीजें भी नहीं देंगे। और बासित पागल कहीं का, लाखों की नौकरी से भी गया। हेलो हेलो, साइमा बात कर रही हो? साइमा, मैं अर्शदा बात कर रही हूँ। जी जी, पहचान लिया आपको, बल्कि मैं तो खुद ही आपको फोन करने वाली थी। बताना चाहती थी कि यहाँ क्या कयामत ढाई जा रही है आपके खिलाफ। मैं सब जानती हूँ। तुम कराची में ही हो? हाँ जी, वो बासित ने कहा था कि वो निकाह कर रहा है, लेकिन मुझे तो आज ही पता चला कि वो आपकी सौतेली बहन से राजी नहीं है। लेकिन बासित की ख्वाहिश पे डायट और बाकी सब लोग एक हो गए हैं। ये तो जी बड़ी ज्यादती हो गई ना आपके साथ। हाँ बस, लेकिन साइमा, इस ज्यादती को मैं और तुम मिलके रोक सकते हैं। अब मैं तो आपका साथ दे दूं, लेकिन साबिर वो ना मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। मैं तुम्हें बदले में इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें जैसा मैं समझा रही हूं वैसा करना, और हरगिज ये निकाह नहीं होने देना। शिजा को सारी बातें सुना रही थी। हाँ, क्योंकि वो बेचारी। चुप! दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। सलीम, एक तो तुम चाचा भतीजे ने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। तुम तो जेल में थे, फिर माल होना चाहिए, माल सारे काम हो जाते हैं। जमानत कराई, बाहर आ गया। वैसे चाचा को अंदर ही सड़ने देना तुम, एक बुराई बंद रहे तो अच्छा ही है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम बड़े दूध के धुले थे, और सब कुछ चाचा ने खुद ही किया था। तुम्हारे चाचा ने लालच की थी। लालच किया था और दिया था भी। पर तुम अपनी उम्र की बेटी से शादी करते वक्त खुद कुछ सोच लेते ना तो। बस बस, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ हूँ। अपने काम से काम रखो। बड़ा आया मुझे समझाने वाला,
चाचा को जेल से निकालूं या सड़ने दूं उन्हें? मैं अब से तुम्हारे किसी भी बहाने में नहीं आऊंगी, ना ही तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं अब से बासित भाई और निम्रा के साथ हूं। अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रही ना, सबके साथ मिल गई है। ये सब लोग एक भी क्यों ना हो जाएं, फिर भी मैं इन्हें हरा के दिखाऊंगी। हाँ रोहन। हाँ बासित, कैसे हो? काफी बेहतर। भाई के साथ हॉस्पिटल गया था, काफी तसल्ली दी उसने। गुड। तुम बताओ निम्रा कैसी है? हमारे सामने तो खास खुशी का इजहार नहीं किया, लेकिन अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कैसे पता चला तुम? क्योंकि समरीर ने कल बाजार जाने का कहा जोड़ा लेने के लिए। उसने आगे से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अग्री कर लिया। सच? बिल्कुल। तुम भी अब तैयार हो जाओ, कल बारात है तुम्हारी। तुमने कहा और मैं हो गया, फिट हो गया। भाई रोहन से बात हुई, उलझन खत्म हो गई? कुछ ऐसे ही समझे। कैसी उलझन? तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है बातें। देखा तुमने अपने भाई को कैसे साफ मुंह पे जवाब दिया? ये इज्जत है मेरी? आज के दिन कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है? अच्छा 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 ठीक। मैं बासित के लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? मेरी अगर कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। अब खुश? आप तो ठीक करें मूड अपना भाभी, कल बारात लेके जानी। इतनी जल्दी? हाँ हाँ। तो नेक काम में देरी कैसी? और बासित की अगर खुशी है तो बस बात खत्म। जज्बाती ही फैसला करते हैं दोनों भाई, दिमाग तो जैसे है ही नहीं दोनों के पास। मैं भी अपनी कोशिशों में लगी रहूंगी, क्या पता कोई कोशिश कामयाब हो जाए और ये शादी होते होते रुक जाए। साइमा, साइमा। हाँ? कुछ मीठा बनाओ जाकर, खुशी की खबर सुनिए। क्यों वासित? जी भाई, मैं आया। जाओ 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 जल्दी। हाँ। तुमसे कोई अहद तो नहीं कर सका था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद खुद से अहद किया था कि तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। आज वो वक्त आ गया अलमास। जानता हूं तुम्हें भी बासित बहुत पसंद था,
इसलिए आज काफी खुश भी हूं और मुतमईन भी हूं। तुम अगर होती तो तुम भी बहुत खुश होती। शीजा ने शायद बासित को दिल से तस्लीम ही नहीं किया था, इसीलिए तो ये सब उल्टी सीधी हरकतें करती रही। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उधर बासित और निमरा खुश हैं और इधर शीजा अपने दिल से दुश्मनी निकाल चुकी है। अल्लाह सब खैर करे। किसी तरह सुकून नहीं आ रहा मुझे। शिजा से वादा तो कर लिया है, लेकिन किस तरह रोकूंगी ये शादी। अब सिवाय बासित से बात करके उसे बाज रखने के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसे हर सूरत राजी करना, मनाना है मुझे। सुबह ही साबिर की गैर मौजूदगी में बासित से बात कर लूंगी। आज का दिन ही कुछ अलग है। तुम्हारे और मेरे दरमियान आई दूरियां मिटा देता, हमें हमेशा के लिए एक साथ करता। आज का दिन ही कुछ अलग है। फिकर ना करें, मैं अभी उससे बात करती हूँ। फोन ही रखना, मैं फोन पे हूँ, मैं सब सुनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। बासित जी। बाबू मुझे ना तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी बता। पहले वादा करो जो मैं कहूंगी तुम मानोगे। जी भाभी मानूंगा जो आप कहेंगे। देखो मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है ना।
हमेशा अपने भाइयों की तरह प्यार किया है, है ना? जी भाभी, मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ। आपकी कोई भी बात डालता नहीं, आप जानती हैं। तो फिर बस, अब मैं जो बोलूंगी तुमने नहीं माना ना तो गुनाह मिलेगा तुम्हें। बताए क्या था? वो बासित, निम्राला तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उससे शादी से इनकार कर दो। क्या कह रही भाभी आप, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा था जो मैं कहूंगी तुम मानोगे। हाँ लेकिन भाभी आप, देखो बासित, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं साबर से तलाक ले लूंगी। भाभी देखो बासित, जो मैं कह रही हूं ना वो करके दिखाऊंगी। ये क्या खेल खेल रही हो तुम? शिजा को सारी बातें सुना रही थी। हां क्योंकि वो बेचारी। चुप! देखो मैं इसकी शादी ना निम्रा से नहीं होने दूंगी। नहीं, अगर ये निम्रा से शादी करेगा तो क्या तुम मुझसे तलाक मांग लोगी? हाँ भाभी, भाभी मेरी बात सुनो, आप शिजा को नहीं जानती, अपनी सगी बहन का घर बर्बाद कर चुकी है वो, पर बाप के पीछे पड़ गई। हमारा ये अच्छा खासा घर पर बात कर देगी भाभी, उसकी बातों में मत आए आप प्लीज। नहीं तुम नहीं, इसे असल में बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें उससे। हाँ हमदर्दी है, लालच है, बोलो हमदर्दी है या लालच है? मारी मैं तुम्हारी ख्वाहिश मैं भी पूरी करता हूं। भाई भाई नहीं, आ भाई मेरे साथ प्लीज। अरे आ जाए अंदर, आज इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है सैमा? भाभी ने कदम नहीं उठाया, ये सब शिजा का किया है। आप जानते नहीं शिजा, वो किसी को भी शीशे में उतार लेती है। और भाभी तो आप सोचें कि निम्रा जो बचपन से उसके साथ है आज भी उसकी बातों पे आ जाती है और जो वो कहती है वो करती है। निम्रा उसकी सगी बहन नहीं, सौतेली बहन, और वो आदतन सीधी है, ये तो समझदार है। ये मेरी बीवी है, मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी इसके साथ गुजार दी है, मैं इसकी फितरत जानता हूं। शिजा ने इसको कोई लालच दी है,
तो ये बात कर गई? आप रिलैक्स करो प्लीज प्लीज। ये तुमने जो इस घर पर एहसान किए ये भूल गई? तुम्हारा साथ देने के बजाय उसका साथ दे रही है ये। एक तो सबसे पहले आप आज के बाद ये एहसानों वाली बात नहीं करेंगे मेरे साथ। कोई एहसान नहीं है मेरा इस घर। आप मेरे बड़े भाई। और रही बात इस रिश्ते की, अगर यही सब चलेगा तो मैं ना कर दूंगा रिश्ते। पर आप दोनों मत रहे। तुम ऐसा नहीं करो तो बस ठीक है। फिर आप मान जाएं और आप भाभी के साथ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वादा करें। ठीक है। और शाम को निकाह है मेरा, कोई तैयारी नहीं करनी, ऐसे जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? सर बेहतर है, काफी काफी बेहतर है। अच्छा सुनो, आपस से बात हुई थी मेरी। तुम अपने भाई और भाभी को लेके असर के बाद आपा की तरफ आ जाना निकाह के लिए। लेकिन सर मुझे लगा आप अपने घर से रुखसत करेंगे निमका को। हाँ बेटा, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी कि मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत होती है। लेकिन क्या करूं, शिजा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता मैं। ठीक है, असर के बाद मुलाकात होती है। ठीक है सर, जैसे आपको बेहतर लगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शिजा की कौन? जाने केड़े खाब सजा बैठा।